राष्ट्रपति को बोला था राष्ट्रपत्नी, ये आपको याद होगा। ये कभी बोलता है हमारे देश को जनता को राक्षस से वोट देने वाला, कभी राहुल गांधी बोलता चौकीदार चोर है, इस तरीका का मतलब खिसियाने बिल्ली खम्भा नोचिए, इस तरीका के ये लोग जो है ना को वो है नालायक ही है। उसमें तो मैं नालायक कहूंगा, वो कोई मौर्य औरिया नहीं है, वो नालायक है। सनातन धर्म में कट्टरता नहीं है, क्योंकि जो धर्म पशु पक्षी वृक्ष सबके अच्छे की भावना रखता है, सबके मंगल की कामना रखता है, तो उसी का ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग ना फायदा उठाते हैं। कहना चाह रहा हूँ कि उसका ये एक साजिश चल रही है इनकी, जो INDIA है, कि कैसे ही हिंदुओं को जो है तोड़ दो जाति में, और फिर हम इसने जैसे INDIA रखा ना कि हम इस देश को फिर इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम एलायंस में बांट कर देंगे इस भारत देश में। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते होंगे आप, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है हरदोई की जनसभा में, बोला है कि जो हिंदू धर्म है ना उसका फारसी में अर्थ होता है नीच और चोर, तो इस धर्म से दूर रहिए, ये सनातनियों का नहीं है बिल्कुल कुछ। देखो वो निकम्मे को खुद नहीं पता कि हिंदू क्या है सनातन क्या है, क्योंकि वो केवल शराब पीता है और मांस खाता है और औरत जो है क्या है वैश्यावृत्ति करता है, तो उसे और कोई उसे धर्म के बारे में उसे क्या पता, वो जानता क्या है कि धर्म है क्या चीज़, क्योंकि वो तीन कामों पर ही रहता है, वैश्यावृत्ति में संलग्न रहता है, मांस खाता है जानवरों का और शराब पीता है, और उसे कोई तीसरा चौथा काम है नहीं। और एक और है वो जातिवाद, और वो जो है क्या एक तरह से समझो कि राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है, उसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो शैतान है और जो इम्पोर्टेंस देने लायक वो है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि जो सनातनों की बात करता है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, वो देशद्रोही है। उस निकम्मे को यही नहीं पता कि धर्म क्या है। अरे धर्म जो सनातन धर्म में जो धर्म की दी है परिभाषा, वो सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। उस निकम्मे को ये नहीं पता कि सनातन में दिया हुआ है कि सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो बताओ इससे बढ़ के बात और क्या होगी। परंतु उस नालायक को वो है नालायक ही है, उसमें तो मैं नालायक कहूँगा, वो कोई मौर्य औरिय नहीं है, वो नालायक है। वो नालायक जो है का मौर्य तो टाइटल उसने लगा रखा, सनातन के बारे में पता ना हिंदू धर्म के बारे में पता ऑलरेडी, क्योंकि उसने वो बौद्धिस्ट है, वो बौद्धिस्ट है, और पहली बात तो उसे अधिकारी नहीं है सनातन में बोलने का या हिंदू में बोलने का, क्योंकि एक बौद्धिस्ट एक सनातन को नहीं कर सकता। उसे ये नहीं पता कि बौद्धिस्ट बुद्ध भी तो उसी सनातन धर्म के हिस्सा थे, उसे इसी हमेशा से चलता रहे कि पहले स्टालिन फिर ए राजा फिर जो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं पर टिप्पणी करते हैं और आसानी से बच के निकल जाते हैं। क्या सर हिंदू धर्म में टिप्पणी करना उनको गाली देना इतना आसान है? देखो वो यहाँ की ना हिंदू या सनातन धर्म में जो दिया है ना सर्वे भवन्तु सुखने, उसका ये मजाक उड़ा रहे हैं, कट्टरता नहीं है सनातन धर्म में, कट्टरता नहीं है, क्योंकि जो धर्म पशु पक्षी वृक्ष सबके अच्छे की भावना रखता है, सबके मंगल की कामना रखता है, तो उसी का ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग ना फायदा उठाते हैं। तो राक्षस जितने भी हैं ये जो बोल रहे हैं बकवासबाजी कर रहे हैं ये राक्षस हैं, क्योंकि स्टालिन अपने आप में खूब ईसाई है। अच्छा। तो वो कोई भी जो अच्छे सनातनी होगा या जो है का अपने को इस दुनिया को अपना जो है का अपना कुटुम्ब मानने वाला कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता है। उन्होंने एक बयान दिया अभी, बोला है कि जो हिंदू धर्म है ना उसको फारसी में चोर और नीच कहते हैं। इसमें लोग कहने के लिए तो हमें शर्म आता है, ऐसा हिंदू धर्म जन्म क्यों लिया है, जन्म होने के इसका अपने माता पिता कलंक लायक है ये बंदा सब, जो कभी हिंदू धर्म गाली देता है, कोई साइनाइट बोलता है बिहार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, कभी कोई इसको वो बोलता है क्या नाम है कोरोना वायरस बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, इसको अपने माँ बाप पे कलंक है, पता नहीं किस अंग्रेज के पास इसका अभद्र शब्द निकल रहा है मेरे मुंह से, किस अंग्रेज के पैदाइश है ये, किस अंग्रेज का टप्टिकार गुलामदार है ये। सबसे पहली बात इसको मैं कहना चाहता हूँ, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में, अपना इसका जड़ सीमित है ही नहीं, अपना बाप का नाम इसको याद नहीं है, मेरा बाप है कौन,
इस तरीके का बयान देता है हिंदू धर्म के बारे में। इसी का एक मंत्री अधीर रंजन चौधरी सांसद है कांग्रेस का, वो कहता है हमारे गंगा नदी को गंदी नाली, आप सुने होइएगा, उसको लैंग्वेज ही नहीं बोलने का, इसको फर्क नहीं हम क्या बोल रहे हैं। एक बार राष्ट्रपति को बोल रहा था राष्ट्रपति, ये आपको ये याद होगा, ये कभी बोलता है हमारे देश को जनता को राक्षस से वोट देने वाला, कभी राहुल गांधी बोलता चौकीदार चोर है, इस तरीका का भद्र भ्रष्टा ये कहता खिसियानी बिल्ली खम्भा नोची है। इस तरीका के ये लोग जो है ना अलूल जलूल बयान देते रहता है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी उसके नाम पे थोड़ी छोटी वोट के लिए, इस तरीके कभी महिला का अपमान करता है, कभी बच्चों को, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, जो सनातनियों की बात करता है वो देशद्रोही है। हिंदू राष्ट्र का मांग तो हमारा 125 करोड़ हिंदूवासी करता है, सब करता है, किसने नहीं करता है, उनके हिसाब से उसका बाप भी देशद्रोही है, उसका बीवी देशद्रोही है, उसका लड़की जो है अभी बीजेपी में सत्ता वो भी देशद्रोही है, उसका सबसे नाता तोड़ दे कम से कम, ये इस तरीका इसका बेतरीका, ये सब पागल हो गए, इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, ये सब का इसको क्या लगता है, मतलब जो बुखला चुका है, इसका कोई अस्तित्व है नहीं, कोई समझ में आ नहीं रहा है, जिसके मंद बुद्धि लोग है ये लोग, किसी के गोद में जाके बैठ के प्रचार करने का तरीका यह था इस दलों का, मानसिक ये देश में अराजकता फैलाने का काम करता है, देश का माहौल बिगाड़ने का काम करता है, जहाँ शांति वातावरण है वहाँ पे शांति रहना नहीं देना चाहता, इस तरीका से ये लोग काम करता है। इसी का कभी महिला, कभी मंत्री का महिला गाली देता है, कभी बच्चों को अपशब्द बोलता है, कभी बुजुर्ग को बोलता है, कभी गरीब को भिखारी बोलता है, इस तरीका के ये लोग। अभी इसी का मंत्री कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो कहता है बिहारी सब लेबर मेरे यहाँ आता है काम करके, गलत काम करता है वो बिल्डिंग गिर जाता है, कभी महाराष्ट्र से बोलता है कि बिहारी यूपी वाले को भगाओ साले के यहाँ से मार के, जगह जगह किसी को क्षेत्रवाद में बांटना, किसी जातिवाद में बांटना। अभी लालू यादव नीतीश कुमार का जनगणना करवाना, कितने गरीब है जनगणना करवाना, तेरे बिहार का लड़का कितने मजदूर बाहर मर जाता, सुसाइड हो जाता, उसकी आत्महत्या हो जाता है, तो उसके जनगणना तू करवा ले, कितनी गरीब है, कितना शोषण हो रहा, कितना कुपोषण, कितना लोग बाहर, उसका जनगणना करवा ले, तो जाति तक जनगणना करवाने जाता है, देश को तोड़ने काम करता है, इतना इस तरह का घटिया काम करता है, जिसकी जवाब नहीं है। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसका ये एक साजिश चल रही है इनकी, जो INDIA है कि कैसे ही हिंदुओं को जो है तोड़ दो जाति में, और फिर हम इसने जैसे INDIA रखा ना कि हम इस देश को फिर इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम एलायंस में बांट कर देंगे, इस भारत को इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम एलायंस INDIA का मतलब इन्होंने एक छुपा एजेंडा रखा है कि कैसे ही हम हिंदुओं को आपस में बांट दें, और बांटने के बाद में जब हम सत्ता, आप बोल रहे 125 करोड़ हिंदू हैं, फिर भी हिंदुओं की गाली देना गिर देते हैं लोग, ऐसा क्यों? जनता देखो, जनता तो उसको जवाब दे ही रहा है, ऐसा बात जनता नहीं दे रहा है। हमारे बिहार में लगभग 40 सीट है MP का, 40 सीट NDO को मिला था, जनता जवाब दे रहा है अपने वोट से, ऐसा जनता को बेवकूफ नहीं कि इसके बाद पुल उलझुल हो जाएगा, इसको जनता स्थिर जवाब दे रहा है।